कक्षा 10 विषय गणित हिंदी मीडियम का 18वां अध्याय प्रायिकता के बारे में आज पढ़ाएंगे आपको। प्रायिकता, प्रायिकता किसे कहते हैं? घटना होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र, प्रायिकता को पी ए से लिखते हैं। प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। प्रायिकता का मान हमेशा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, लेकिन एक से छोटा या एक के बराबर होता है। तीसरा है किसी घटना होने की प्रायिकता को पी ए से लिखेंगे और घटना नहीं होने की प्रायिकता को पी ए बार से लिखेंगे। इन दोनों का योग एक होगा। यानी घटना होने की प्रायिकता ज्ञात करनी तो इस सूत्र से करनी है, नहीं होने की ज्ञात करनी है तो एक में से उस होने की प्रायिकता को घटा देना। बस वापस सुन लीजिए, प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता का मान हमेशा जीरो के बराबर या जीरो से अधिक तथा एक के बराबर अथवा एक से कम होगा। और ये प्रायिकता घटना होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग एक होता है। अब सवाल पे आते, बहुत ही इजी चैप्टर है। एक पासे को पहला सवाल है, एक पासे को फेंकने पर, आप भी रफ कॉपी में साथ साथ प्रश्न उतारते रहे, एक पासे को फेंकने पर चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रश्न नोट कर लें, एक पासे को, पासा डिवाइस को फेंकने पर चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप कुल परिणाम निकाल देंगे, कुल परिणाम एक पासा है डिवाइस है उस पर 6 अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार से कुल परिणाम 6 हो गए। अब अनुकूल परिणाम का अर्थ है जो प्रश्न पूछ रहा है आपको, पासे में अंक तो ये 6 होंगे, किसी भी पासे को फेंकोगे तो इन अंकों में से कोई भी अंक आएगा, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, 4 से बड़ा अंक। तो 4 से बड़े अंक क्या होंगे, 5 और 6, तो ये अनुकूल परिणाम होगा। पांच और छह ये होंगे, ये दो होंगे अनुकूल परिणाम। अब सीधा आपको सूत्र लगाना है, अभीष्ट प्रायिकता। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 6, दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 1/3, ये आंसर। ठीक है, तो प्रायिकता ज्ञात करने का ये सूत्र है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम।
सबसे पहले हर एक प्रश्न में आपको अनुकूल परिणाम निकालना है। अनुकूल परिणाम का मतलब जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, चार से बड़ा अंक पूछा है तो चार से बड़े अंक दो होंगे, पाँच और छः तो अनुकूल परिणाम दो हो जाएंगे, कुल परिणाम छः है तो दो बटे छः, एक बटे तीन हो जाएंगे। उसी तरह से और भी पूछ सकते हैं, सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो, विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो, पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो जैसा प्रश्न पूछता है उसी हिसाब से अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। अब दूसरा सवाल एक सिक्कों वाला करते हैं, ये पासे वाला है। एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, एक सिक्के यानी कॉइन को दो बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं एक सिक्के को दो बार उछालो चाहे दो सिक्कों को एक बार उछालो, सिक्का यानी कॉइन, तो कॉइन में उछालते हैं तो एक तो टेल आता है और हेड आता है। तो हिंदी में देखें तो हेड का मतलब हो जाएगा चित्त और टेल का मतलब हो जाता है पट। तो दो सिक्के हैं तो इसके सबसे पहले कुल परिणाम अपन निकालेंगे। कुल परिणाम टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे देखें आप, खुद भी विचार कर लें, जितने भी संभावित हो वो कुल परिणाम निकालेंगे। जैसे एक सिक्का उछाल दिया, पहले सिक्के में मान लीजिए टेल आया, फिर दूसरा सिक्का उछाला तो भी टेल आया, एक संभावना ये हो गई। फिर वापस एक सिक्का उछाला टेल आया, दूसरा सिक्का उछाला हेड आया। उसी प्रकार और सिक्का उछाला तीसरी बार, तो मान लीजिए पहला हेड आया और दूसरा टेल आ गया। उसके बाद में और सिक्का उछाला तो और संभावित परिणाम, दोनों ही बार हेड हेड आ गए, इसके अलावा और कोई संभावना नहीं है। ये अधिकतम संभावना यानी कि कुल परिणाम हो गए चार। अब निकालेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न ने क्या पूछा है कि दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। चित यानी कि हेड, तो दोनों बार हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है तो अनुकूल परिणाम एक हो जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तो कितना हुआ, एक रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अभीष्ट प्रायिकता प्रॉपर सूत्र लिखेंगे, हिंदी में अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो हमने फेवरेबल आउटकम निकाल चुके हैं यहाँ एक, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम चार है, एक बटे चार ये आंसर हो, नोट कर लें। अब तीसरा सवाल आएगा,
तीसरा क्वेश्चन, एक से सत्रह तक की प्राकृत संख्याओं में से किसी एक संख्या का यदृच्छाया चयन किया जाता है तो उसमें सभी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सवाल नोट कर ले, एक से सत्रह तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छाया चयन किया जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो वही विधि है, अनुकूल परिणाम निकालना है और कुल परिणाम निकालना है। तो पहले तो कुल परिणाम टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इसमें आप देखें प्राकृत संख्या एक से सत्रह तक प्राकृत संख्या है तो कुल परिणाम लिखने की जरूरत नहीं है, एक दो तीन सत्रह तक होंगे वो सभी प्राकृत संख्या ही है, यानी कि कुल परिणाम सत्रह। अब इसमें एक शब्द आया है, हालांकि इसका प्रश्न में कोई मतलब नहीं, यादृच्छाया का मतलब कि जिसका हमको परिणाम तो मालूम होता है लेकिन ये मालूम नहीं होता है, परिणाम निश्चित नहीं होता है। जैसे एक सिक्के को उछालते हैं तो हमको पता है कि टेल या हेड आएगा, लेकिन हेड आएगा या टेल आएगा ये निश्चित नहीं कह सकते, उसको यादृच्छाया कहते हैं। आप दूसरा अनुकूल परिणाम निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो संख्या कौन सी लेनी है आपको, इन एक से सत्रह तक की प्राकृत संख्या में से आपको अभाज्य संख्या लेनी है। तो इसमें ये आप ध्यान रखेंगे, एक है जो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें एक या उसी संख्या के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो एक का भाग तो सभी संख्याओं में जाता ही है लेकिन परिणाम में कोई फर्क आता नहीं, इसलिए एक को आप अभाज्य संख्या नहीं समझेंगे, एक को आप विषम संख्या समझ सकते हो। तो अनुकूल परिणाम लिखा है प्राकृत संख्या दो, क्योंकि दो में दो का भाग जाता है और एक का भी जाता है, लेकिन एक का छोड़ दो में दो के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। दूसरी संख्या तीन, फिर चार में देखें चार का जाता है लेकिन दो का भी जाता है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट पाँच, उसी तरह से सात, आठ में तो भाग सबका ही जाता है, दो का जा रहा है चार का जा रहा है और आठ का भी जा रहा है, नौ भी नहीं है, ग्यारह तेरह और सत्रह कितने हो गई, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो अनुकूल परिणाम हमको सात हो गए। वही प्रॉपर आपको सूत्र लिखना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अभीष्ट प्रायिकता अनुकूल परिणाम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कुल परिणाम अनुकूल परिणाम सात है और कुल परिणाम सत्रह है, सात बट्टा सत्रह ये आंसर। नोट कर ले अगला सवाल, चौथा सवाल, एक सिक्के को, ये सिक्के वाला ही है,
पहले एक सिक्के को दो बार उछाला गया था, उसमें परिणाम कुल परिणाम चार आए थे। अब के लिए एक सिक्के को तीन बार उछालते हैं, तो बात वही है, तीन सिक्के को एक बार उछालो, चाहे आपके पास एक सिक्का है तो उसको तीन बार उछाल दो, एक ही बात होती है। तो एक सिक्के को लगातार तीन बार उछालने पर 71 चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक सिक्के को लगातार तीन बार उछालने पर 71 चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले जैसे तीन सवाल किए, सबसे पहले आपको कुल परिणाम निकालना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। परिणाम लिखते रहिए, इंग्लिश में लिख दें, क्यों हेड टेल चित्रपट आपको इंग्लिश में लिखना चाहिए। जैसे एक सिक्का उछाला, पहला सिक्का उछाला तो टेल आया, दूसरा सिक्का भी उछाला तो टेल आया, और तीसरा भी उछाला तो टेल आया। इस तरह से परिणाम बताते रहिए। फिर सिक्के उछाले, टेल टेल हेड आया, और सिक्के उछालो और परिणाम नोट करते रहो, टेल आया हेड हेड आया, फिर हेड हेड हेड, तीनों बार हेड हेड आ गया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद में सिक्का और उछालो, हेड हेड टेल, लेकिन कोई भी परिणाम लिखते समय ये ध्यान रखना है कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि टेल टेल हेड यहाँ लिख दिया तो इसका मतलब नहीं, आगे भी आप टेल टेल हेड लिख दो, परिणाम चेंज होना चाहिए। फिर सिक्का उछाला, हेड हेड टेल आया, और संभावित परिणाम लिखते रहे। जैसे ये हेड हेड टेल यहाँ लिख चुके हैं तो यहाँ टेल हेड टेल कर दें, तीनों बार हेड है हेड हेड टेल है, टेल हेड टेल है, फिर हेड टेल टेल है, और परिणाम लिखें जो भी आप सोचते रहो और परिणाम लिखते रहो। जैसे टेल आया, फिर दूसरी बार और टेल आया, वो परिणाम है तो हेड टेल, और हेड नहीं आया हुआ है ये लिख दीजिए। देखिए इसमें हेड हेड टेल आया हुआ है तो ये टेल हेड हेड हो जाएंगे, और संभावित परिणाम ये आए हुए हैं तो इसको छोड़ दो। टेल टेल पहली बार सिक्का उछाला, तीनों परिणाम में टेल 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 आया, ठीक है। दूसरी बार उछाला तो टेल टेल हेड आया, तीसरी बार टेल हेड हेड, चौथी बार हेड हेड, ये चेंज हो सकते हैं आपस में, ऐसा नहीं कि लगातार ही ऐसे ही लिखना है, चेंज होते रहेंगे। अब और परिणाम को एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक परिणाम और कितने परिणाम हो सकते हैं सोचते रहिए आप। और जैसे पहला सिक्का उछाला, हेड आ चुका है, ठीक है हेड आया है, फिर दूसरा सिक्का उछालो तो मान लीजिए टेल, और फिर तीसरी बार सिक्का उछालो तो हेड, ये परिणाम देख लीजिए कहीं है हेड टेल हेड, कहीं नहीं है, इसके अलावा और परिणाम नहीं होंगे। कुल परिणाम ये कितने होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, तो कुल परिणाम आठ होंगे। अब प्रश्न पूछा एकांतरतः, एकांतरतः मतलब एक छोड़ के एक, जैसे पहला परिणाम टेल आया तो दूसरा परिणाम हेड आना चाहिए और तीसरा परिणाम वापस टेल आना चाहिए। अगर आप लेते हो पहला परिणाम हेड आया तो दूसरा परिणाम टेल आना चाहिए और वापस हेड आना चाहिए, मतलब लगातार दो परिणाम नहीं आने चाहिए, अनुकूल परिणाम निकालेंगे। ये देखिए तीनों परिणाम एक साथ है, ये अपने प्रश्न के हिसाब से अनुकूल परिणाम नहीं है, इसमें दोनों टेल एक साथ आ रहे हैं तो ये भी अपना अनुकूल परिणाम नहीं है, इसमें दोनों हेड आ रहे हैं ये भी अनुकूल नहीं है, ये तीनों हेड लगातार आ रहे हैं बिल्कुल गलत, ये दो हेड लगातार आ रहे हैं नहीं लेना। ये देख लीजिए टेल आया उसके बाद में हेड आया
और हेड छोड़ के फिर टेल आया, तो एक परिणाम तो ये हो गया अपना टेल हेड टेल। दूसरा परिणाम ये लगातार टेल आ रहे नहीं लेना, ये परिणाम सही है, हेड आया फिर टेल आया फिर हेड आया, हेड टेल हेड, ये परिणाम कॉमा लगा दे बोली। हाँ, तो इस प्रकार से अनुकूल परिणाम अपने दो हो गए। कोई प्रॉपर सूत्र लगाएंगे आप प्रायिकता का, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम दो आया है, कुल परिणाम आठ, दोनों में दो का भाग जाता है, एक बटे चार आंसर।